नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ आपको कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें सिखा सकें। आज यहां पर हम एक डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। यहां पर बाबा के ढाबा के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टोरी फेमस हो रही है। यहां पर आपने भी देखा था जब इनका वीडियो वायरल हुआ, कैसे यहां पर काफ़ी सारे नए नए कस्टमर जा रहे थे, लोग सेल्फीज ले रहे थे, व्लॉग बना रहे थे और काफ़ी अच्छी खासी उनकी कमाई होने लगी थी जब वो वीडियो उनका वायरल हुआ था। बट अभी यहाँ पर जो वायरल हो रही चीज़ें यहाँ पर उनके यूट्यूबर को लेके हो रही है, गौरव बसान जो कि एक फूड ब्लॉगर है, उनके बारे में हो रही है कि उन्होंने यहाँ पर एक स्कैम किया है। तो यहाँ पर ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पर मैं कवर करने का रीज़न यही है क्योंकि ये भी एक तरह से फाइनेंशियल न्यूज़ में आप कह सकते हैं, क्योंकि ये फाइनेंस को लेके आ रही है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, छोटा सा एक वीडियो कवर कर रहा हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और एक छोटी सी लर्निंग आपको देना चाहूँगा, बात बताना चाहूँगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर पहले वही फूड ब्लॉगर थे जो गौरव बसान है, उन्होंने ये वीडियो उनका डाला था, उसके बाद वायरल हुआ, बहुत लोगों ने सपोर्ट दिखाया। अब उन्होंने क्या करा था, उस वक्त अपना यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी इनके डोनेशन के लिए, ताकि बाबा के ढाबा को काफ़ी डोनेशन मिले। अब आपको ही पता है कि डोनेशन जो भी मिला वो पेमेंट आई गौरव बसान के अकाउंट में। उन्होंने ये क्या करा, बाबा के ढाबा के ओनर को चेक दे दिया था एक यहाँ पर, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, बाबा के ढाबा के ओनर ने ही जिक्र किया। तो अब उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक एलिगेशन लगाया कि उन्होंने सारे पैसे नहीं दिए, बहुत कम पैसे दिए हैं, उन्होंने यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, और इसी वजह से उन्होंने एक FIR यहाँ पर लॉन्च करी उनके नाम पर। अब समझने वाली बात यही न्यूज़ कल आई थी जो हम लोग को देखने को मिली, उसी के विद इन 1 to 2 आवर उन्होंने क्या करा, गौरव बसान ने अपना जो बैंक स्टेटमेंट है 24 से 25 पेज का, उन्होंने पूरा अपलोड कर दिया है ऑनलाइन इंटरनेट पे कि यहाँ पर जितना मेरे पास पेमेंट आया था ये पूरा बैंक स्टेटमेंट है, जितने लोगों ने करा था इसका कलेक्टिव कर लीजिए और मैंने इतनी पेमेंट उन्हें करी है। और यहाँ पर आप डायरेक्ट खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इंटरनेट पर जाके कि हाँ आपने जो पैसा दिया था वो वहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और वो चीज़ वहाँ पर गई है कि नहीं गई है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखा दी है। मेरा मानना ये है कि अभी कैसे ये स्टोरी खुलती है थोड़ा बहुत अभी आगे और देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर। बट समझने वाली बात ये है कि जो बाबा के ढाबा यहाँ पर जिनकी अभी अगर हम कुछ समय पहले तक की बात करें तो एक अच्छी खासी अर्निंग भी नहीं हो रही थी, इतना सपोर्ट भी नहीं मिला था, बट इधर बीच में मानता हूँ मैं कि उन्हें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, काफ़ी अच्छा पैसा भी मिला। अब हालांकि उनका ये भी एक एलिगेशन था कि शुरू में उनको बीच में उन्हें 10-15 हज़ार का धंधा कर रहे थे डेली का, अब वापस 3-4 हज़ार पे आ गए। तो इसमें देखिए उनकी गलती नहीं है जिन्होंने उन्हें वायरल किया, उन्होंने तो बल्कि सपोर्ट किया, गलती हमारी लोगों की है। हम लोग उस वक्त क्योंकि वो ट्रेंडिंग था, वो वायरल था, वो उस वक्त एक ट्रेंड था, तो हम लोग जा रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, व्लॉग्स बना रहे थे, बट उसके बाद हमने वही चीज़ तुरंत जैसे वो चीज़ वापस ऑफ टॉपिक होने लगी हमने छोड़ दिया यहाँ पर। तो उनको ये चीज़ नहीं अच्छा लगा, उनकी भी जो वापस से जो अगर मैं बात करूँ डेली बेसिस की जो अर्निंग होने लगी थी वो वापस से नीचे चली गई, यहाँ तक कि उन्होंने नए वर्कर भी हायर करे थे, तो अब उनका क्या करें जब उतने कस्टमर फिर से नहीं आ रहे। तो उनके लिए भी बहुत सारी सोचने की चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर गौरव बसान ने उनके साथ कोई फ्रॉड करा है। अगर उन्हें करना भी होता फ्रॉड तो यहाँ पर उन्होंने ही सबसे पहले वो इंसानियत दिखाई थी कि क्या कहते हैं उनके बारे में एक मैसेज यहाँ पर डाला था जो कि इंटरनेट पर काफ़ी पसंद किया गया, उन्होंने ही आगे बढ़ के यहाँ पर एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बनाया ताकि उनको कुछ डोनेशन मिल सके। तो यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, ना उन्होंने कराया जो अभी तक हमने सारी चीज़ें रिसर्च करी हैं और देखी हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि बिना मतलब आप लोग उन्हें ट्रोल करना या फिर आगे बढ़ाना ज़बरदस्ती डिफेम करने की कोशिश ना करें जब तक आप पूरी चीज़ें कलेक्ट ना कर लें, जानकारी आपके पास ना हो। तो यहाँ पर मैं सीधी सी बात करूँगा, उनको भी सपोर्ट करें और साथ ही साथ बाबा के ढाबा के आसपास जो भी लोग हों वो भी वहाँ पर अभी भी जाया करें खाने के लिए, ऐसा ना हो कि जैसे ट्रेंड ख़त्म हुआ आप जाना बंद कर दिए। तो यहाँ पर आपके लिए सोचने की बात है कि आप जिसे भी सपोर्ट करें तो ऐसा ना हो कि खाली ट्रेंड देख के सपोर्ट करें, सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट करते रहिए आगे तक।